बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत में सुधार हुआ है। अब उनकी किडनी 60% तक काम करने लगी है। दरअसल रांची के रिम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे पूर्व रेल मंत्री और चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता लालू की सेहत बीते दिनों काफी गिर गई थी। तब उनकी किडनी महज 37% ही काम कर रही थी। लालू प्रसाद यादव की देखरेख कर रहे डॉक्टरों की माने तो उनका ब्लड प्रेशर भी अब नॉर्मल है। उनके किडनी इन्फेक्शन में काफी कमी आई है। डॉक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक लालू यादव की जो किडनी केवल 37% ही काम कर रही थी, अब वो 60% तक काम करने लगी है। आपको बता दें कि लालू यादव की किडनी समस्या के दौरान उनके चाहने वालों ने उन्हें किडनी दान की इच्छा जताई थी, पर फिलहाल लालू यादव की किडनी बेहतर स्थिति में है। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं सोचा है। आगे स्थिति बिगड़ी तो वे इस पर विचार करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव के लिए दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते एक साल से वो कानूनी मोर्चे के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से भी जूझ रहे थे, पर फिलहाल उन्हें राहत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े केस में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू यादव के लिए संकट का दौर चल रहा है। बता दें कि लालू को रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। न्यूज डेस्क।